हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सबको ज्ञात ही हैं कि हमारे भारत देश के अंदर कोरोना महामारी है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है और आपको घर में रहना है और सेफ रहना है। और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी ऑनलाइन स्टडी है वो जारी रख सकते हैं। ओके, इससे जो फर्स्ट जो पार्ट था हेलो एल्टिन हेलो एरिन का, उसके अंदर मैंने आपको हेलो व्युत्पन्न की डेफिनेशंस, हेलो एल्टिन की डेफिनेशंस और हेलो एरिन की डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी। आज हम पढ़ेंगे हेलो व्युत्पन्न का क्लासिफिकेशन। ओके, तो देखिए आप लोग के हेलो एल्टिन या हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन है मुख्य रूप से तीन प्रकार से अपन इनका कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसमें क्या होगा कि जो हमारा हेलो एल्केन है या जो हेलो एरिन है उससे कितने हेलोजन परमाणु हमारे जुड़े हुए हैं उसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, फिर नंबर दो है हमारा sp3 ch बंध प्रकृति के आधार पर, इसमें क्या होगा जो भी मेरा हेलो एल्केन है या हेलो एरिन है उसमें जो कार्बन होगा जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है ना, तो इसमें जो एल्किल हैलाइड है या हेलो एल्केन है या जो भी हमारा हेलो एरिन है उसमें जिससे हमारा हेलोजन परमाणु जुड़ा है उसका कार्बन का संकरण क्या होगा, sp3 होगा। और sp3 संकरण आपको कैसे निकलते हैं आपको वैसे ही बताइए कि जब चार सिग्मा बंध उपस्थित होंगे तो उसमें कौन सा संकरण होगा, sp3 होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं sp2 ch बंध प्रकृति के आधार पर, sp2 ch बंध प्रकृति के आधार पर इसमें जो हेलोजन परमाणु है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का जो संकरण है वो हमारा क्या होगा, sp2 होगा। ओके, तो अब वापस अपन देखते हैं हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम इनका पुनः क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसमें फर्स्ट मैंने लिखा है मोनो हेलो एल्केन या एरिन, मोनो हेलो एल्केन या एरिन। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। इसमें एक हेलोजन परमाणु है वो हमारा किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से या किसी एक या किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होगा। ओके, तो उसको अपन क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्केन या एरिन। आप इसी डेफिनेशन में आप नोट डाउन करना चाहें तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब एक हेलोजन परमाणु किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको अपन क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्केन या एरिन। सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 और X, CH3 CH2 X। अब ये मेरा कैसा है, मोनो हेलो एल्केन है। क्या है, मोनो हेलो एल्केन है। ओके, अब एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। अब जैसे मैंने ले लिया ये हमारी क्या है, बेंजीन रिंग है। क्या है, बेंजीन रिंग है और इससे मैंने क्या किया, एक हेलोजन परमाणु को जोड़ दिया है। तो ये मेरा क्या होगा, अब एक ही हेलोजन परमाणु है तो ये मेरा क्या होगा, मोनो हेलो एरिन। क्या होगा, मोनो हेलो एरिन। अब देखिए इससे मैंने एल्केन क्यों लिखा है और इससे मैंने एरिन क्यों लिखा है, ये बात तो आपको वैसे पता ही है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं वापस दोहरा देता हूँ कि ये जो इतना सा भाग है ये हमारा कैसा है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का है या एल्केन का है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। लेकिन जो मेरी बेंजीन रिंग होती है वो कैसी होती है, एरोमेटिक रिंग होती है और एरोमेटिक रिंग से जब हमारा हेलोजन परमाणु जुड़ेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एरिन। ठीक है ना, एरिन शब्द किसके लिए होगा, हमारा एरोमेटिक शब्द के लिए। ओके, फिर
इसमें जो मोनो हेलो एल्केन या एरिन है, इनको पुनः मैंने तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? तीन। अब इन तीन भागों में बांटने का रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि हमारा जो हेलोजन परमाणु है वो कार्बन के कौन से भाग से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है या सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है या टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड अपन किसे कहेंगे कि जब हमारा हेलोजन परमाणु या जब हमारा एक हेलोजन परमाणु जब किसी प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ठीक है ना, इसको अपन शॉर्ट में अपन क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब है द्वितीय एल्किल हैलाइड। क्या है? द्वितीय एल्किल हैलाइड। इसमें क्या होगा कि इसमें जो हमारा हैलाइड है वो किससे जुड़ा होगा, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, द्वितीय एल्किल हैलाइड। ओके, अब नेक्स्ट तृतीय एल्किल हैलाइड। इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा हैलोजन परमाणु है वो टर्शियरी कार्बन से या तृतीय कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तो उसको अपन क्या देंगे, तृतीय एल्किल हैलाइड। अब आप कहोगे कि सर ये प्राथमिक कार्बन, द्वितीय कार्बन और तृतीय कार्बन क्या होते हैं, तो थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सी और सी, यहाँ पे हैलोजन जोड़ दिया। एक मैंने लिखा सी 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 और यहाँ पर हैलोजन जोड़ दिया, और एक मैंने एक और लिख दिया सी सी और सी और यहाँ पर मैंने हैलोजन परमाणु जोड़ दिया। तो देखिए, ये जो मेरा हैलोजन परमाणु है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके केवल एक तरफ ही कार्बन है, या तो कार्बन होना चाहिए या हाइड्रोजन। तो ऐसा जो कार्बन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्राइमरी कार्बन कहलाता है, या इसको अपन 1 डिग्री कार्बन भी लिखते हैं। अब नेक्स्ट ये देखिए, अब इस कार्बन से हमारा क्या जुड़ा हुआ है, एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन के दोनों तरफ मेरे क्या है, दो कार्बन है, या इसको एल्किल चैन भी अपन आगे से आगे जोड़ सकते हैं। अब इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए मैं एक हाइड्रोजन को जोड़ दूंगा, और इधर मैं 2 हाइड्रोजन जोड़ दूंगा, और इधर मैं 3 हाइड्रोजन जोड़ दूंगा। तो ये जो मेरा कार्बन है इसके दोनों तरफ क्या है, कार्बन की चेन है। ठीक है ना, तो इसको अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन या द्वितीय कार्बन कहेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये जो हमारा हैलोजन परमाणु है जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के तीनों तरफ क्या है, कार्बन परमाणु है। क्या है? कार्बन परमाणु है। अब इस कार्बन परमाणु में देखिए कि इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, और इधर भी कार्बन है, और तीनों तरफ कार्बन होने के कारण इसको अपन क्या लिखते हैं, 3 डिग्री। क्या लिखते हैं? 3 डिग्री। या इस कार्बन को अपन क्या कहते हैं, तृतीय कार्बन भी कहते हैं या टर्शियरी कार्बन भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है और टर्शियरी कार्बन क्या होता है। ओके, तो उसके आधार पर हमने इनका क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। अब आप देखिए, डाई हेलो एल्केन या एरिन। अब डाई का मतलब आप समझते हैं, डाई का मतलब क्या होता है, दो। ठीक है ना, यानी जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से दो हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे, डाई हेलो एल्केन या एरिन। एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होगा तो एरिन कहेंगे, और एलिफेटिक से जुड़ा होगा तो उसको क्या कहेंगे, डाई हेलो एल्केन। ओके, अब देखिए, अब डाई हेलो एल्केन या एरिन का भी हमने पुनः क्या किया है, वर्गीकरण किया है। तो इसमें मैंने देखिए कितने भागों में बांटा है, तीन भागों में बांटा है। पहला लिखा है मैंने जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड या इसको जेमिनल डाई हैलाइड भी कहा जाता है। अब जेम डाई हैलाइड किसे कहते हैं बताइए, ये कक्षा 11th में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, या आप सभी ने भी अच्छे से पढ़ा होगा। तो आप देखिए, जेम डाई हैलाइड क्या होता है, जैसे मैंने लिखा CH3CH और एक हैलोजन परमाणु इधर और एक हैलोजन परमाणु इधर,
तो इसको इस संरचना को देखने से आपको क्या पता लग रहा है कि एक ही कार्बन से दो हेलोजन परमाणु हमारे जुड़े हुए हैं। यानी जब एक ही कार्बन से दो हेलोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, जेम डाई हैलाइड। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान भी रखना है क्योंकि ये हमारे बड़े बड़े जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, IIT नीट है, इन सभी में इनकी जानकारी है तो अपन रिएक्शन करने में अपन को आसानी रहती है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा विशनल डाइहैलाइड। विशनल डाइहैलाइड या इसको विष डाइहैलाइड भी कहा जाता है। विशनल डाइहैलाइड में क्या होता है देखिए आप, जैसे मैंने कोई एक एल्किल हैलाइड लिखा है CH2, एक हैलोजन इधर जोड़ दिया, एक हैलोजन इधर जोड़ दिया है। ठीक है, तो आप देखिए तो इसमें कितने हैलोजन परमाणु हैं, दो है तो डाई हेलो एल्केन तो हमारा है ही है। अब विशनल कैसे हैं कि जब दो निकटवर्ती कार्बन पे हमारे दो हैलोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं, या दो ऐसा अपन कह सकते हैं कि दो पास पास कार्बन पे जब हैलोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विशनल डाइहैलाइड या विष डाइहैलाइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। कौन सा है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। इसमें आप देखिए, अब जैसे मैंने लिखा CH2 और CH2, एक हैलोजन परमाणु इधर जोड़ दिया और एक हैलोजन परमाणु मैंने इधर जोड़ दिया है। तो आप देखिए इसमें क्या है कि ये इसको मैं 1, 2, 3 भी मान सकता हूँ, या इधर से भी मानूँ तो 1, 2, 3। कहने का मतलब ये है कि जब एक हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के प्रथम कार्बन से और दूसरा जो हैलोजन परमाणु है वो कार्बन श्रृंखला के अंतिम कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ओके, देखिए और इसको मैं अल्फा मान लूँ तो ये मेरा कौन सा होगा, ओमेगा। कौन सा होगा, ओमेगा। आपकी इच्छा है कि मैं इसको अल्फा मानूँ और इसको ओमेगा मानूँ तो वो भी आप कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि भारत देश हमारा क्या है, स्वतंत्र है, जैसा आप चाहो वैसा आप कर सकते हैं, आप पे कोई बाध्यता नहीं है कि इसी कोई ओमेगा माने, जो आपकी इच्छा है वो मान सकते हैं। अब देखिए इसका एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा CH2 और CH2, एक हैलोजन इधर और एक हैलोजन इधर जोड़ दिया तो आप देखिए क्या होगा, अब ये मेरा अल्फा होगा और ये मेरा ओमेगा होगा। आप चाहो तो इसको अल्फा मानो, आप चाहो तो इसको ओमेगा मानो। अब देखो इस संरचना को देखते हुए भी आप अल्फा ओमेगा की परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि जब एक हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के प्रथम कार्बन से और दूसरा हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के अंतिम कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको अपन क्या कहेंगे, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ओके, ये आपको समझ में आ गया है, और नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता देना, मैं आपको पुनः बता दूंगा। ओके, अब देखिए पॉली हेलो एल्केन एवेरिन। पॉली का मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे या अनेक। इसमें क्या होगा कि जब मैंने तीन या तीन से अधिक हैलोजन परमाणु में किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से या किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जोड़ूंगा तो उसको मैं क्या कहूँगा, पॉली हेलो एल्केन या एरिन। ओके, अब आप देखिए, अब जैसे मैंने लिखा है ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई का मतलब कितना होता है, तीन। कितना होता है, तीन होता है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें तीन हैलोजन परमाणु हैं वो किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से या किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़े हुए होंगे तो उसको अपन क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एल्केन या एरिन। डेफिनेशन में आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कि जब
किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से तीन हेलोजन परमाणु हमारे जुड़े हुए हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एल्केन या एरिन। इसी प्रकार से अगर चार हमारे जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए हैं, चार हमारे जुड़े हुए हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, टेट्रा हेलो एल्केन। एक एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा CH2 और CH2, एक हेलोजन इधर जोड़ दिया, एक हेलोजन इधर जोड़ दिया और एक हेलोजन मैंने इधर जोड़ दिया। अब देखिए इसमें कितने हेलोजन है, तीन हेलोजन परमाणु है तो इसको अपन क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। और ये कि मैं किसी एरोमेटिक रिंग से जोड़ दूँ, किससे जोड़ दूँ, किसी एरोमेटिक रिंग से जोड़ दूँ तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एरिन। ओके, अब मैंने लिखा नेक्स्ट टेट्रा हेलो। टेट्रा के लिए क्या करो, एक चैन में और बढ़ा देता हूँ, एक चैन में और या एक कार्बन और बढ़ा देता हूँ और यहाँ मैंने जोड़ दिया। अब देखो इसमें कितना है, एक दो तीन चार है तो इसका नाम क्या होगा हमारा, टेट्रा हेलो एल्केन। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं पाँच जोड़ दूँ तो पेंटा, फिर हेक्सा, इस प्रकार से आगे हमारे ये बढ़ते जाएंगे। इसलिए संक्षिप्त में अपन इनको क्या कह सकते हैं, पॉली हेलो एल्केन या एरिन। ओके, अब हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर तो आपका पूरे का पूरा क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको नंबर दो वाला बता रहा हूँ। देखिए अब इसमें नंबर दो मैंने लिखा था कि हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन को संकरण के आधार पर या CH बंध की प्रकृति के आधार पर इनको मुख्य रूप से दो भागों में मैंने इनको डिवाइड किया है। फर्स्ट मैंने लिखा है बेंजिलिक हैलाइड और दूसरा लिखा है मैंने एलिलिक हैलाइड। अब देखो इसमें यहाँ पे sp3 का मतलब ये है कि जिस कार्बन से हमारा हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उसका जो संकरण है वो क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। ओके, तो देखिए बेंजिलिक हैलाइड, अब बेंजिलिक हैलाइड मैंने जैसे ले लिया, ये हमारा क्या है, क्या है, बेंजीन है, नहीं ये बेंजीन नहीं है, ये हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। अब मैं अल्टरनेटिव में एक एक पाई बन में लगा दूं तो मेरा क्या बन गया, ये बेंजीन बन गया, क्या बन गया, बेंजीन। और बेंजीन कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। अब मैंने यहाँ से एक कार्बन को जोड़ दिया है और उससे मैंने क्या जोड़ दिया, एक हेलोजन परमाणु जोड़ दिया है। थोड़ा सा इसको मैं खोल देता हूँ, एक हाइड्रोजन ऊपर लगा देता हूँ, एक मैं नीचे लिख देता हूँ। अब देखिए बेंजिलिक हैलाइड, अब इसकी परिभाषा आप लिखना चाहो तो इसको देखते हुए आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, कि जब किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा कार्बन, जब किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा कार्बन जिसका संकरण क्या हो, sp3 हो, उससे हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसको अपन क्या कहेंगे, बेंजिलिक हैलाइड। क्या कहेंगे, बेंजिलिक हैलाइड। तो देखिए अब इसका संकरण है वो sp3 कैसे होगा, कि एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक इधर है, इधर इधर एक इधर है और एक इधर, टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है मेरे पास में, चार है। और जब चार सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो कौन सा संकरण होता है, sp3 होता है। कौन सा होता है, sp3। तीन सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, दो सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सा होता है, sp। ओके, तो ये हमारा जो हैलाइड है उसको अपन क्या कहेंगे, बेंजिलिक हैलाइड। तो अब इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई, आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन को शॉर्ट में भी ले सकते हैं। ये इतना सा जो भाग है हमारा, ये वाला CH2, इसको अपन क्या कहते हैं, बेंजिलिक समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजिलिक समूह भी कहते हैं। तो अपन परिभाषा में इसको क्या लिख सकते हैं, कि जब किसी बेंजिलिक समूह से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं, बेंजिलिक हैलाइड। इस प्रकार से भी इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आप,
नेक्स्ट है मेरा एलिलिट हैलाइड, नाम से पता है एलिलिट। इसमें क्या होगा, जैसे मैंने लिखा CH2 और हैलोजन परमाणु। तो देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल इस संरचना को देखना है और जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको लिखना है, इसकी परिभाषा है बन जाएगी। तो देखो मैं बनाता हूँ कि जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड के निकटवर्ती कार्बन जिसका संकरण क्या हो sp3 हो, जिसका संकरण क्या हो sp3 हो, से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, एलिलिक हैलाइड या स्ट्रो एलिल हैलाइड भी लिख सकते हैं या कह सकते हैं। ओके, ये बॉन्ड नहीं है, ये मैंने आपको बताने के लिए बताया है कि इस ये जो कार्बन है जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है, मेरा sp3 है। अब देखिए नंबर तीन में हेलो एल्केन और हेलो एरीन है, वो किसके आधार पर हमने डिवाइड किया है, sp2 CH1 प्रकृति के आधार पर, sp2 CH1 प्रकृति के आधार पर। इसमें मेरा जो हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उस कार्बन का जो संकरण है वो क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। ओके, तो इसके आधार पर हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया है, फर्स्ट हमारा एरिल हैलाइड, दूसरा है वाइनिलिक हैलाइड। तो देखिए एरिल हैलाइड क्या होता है हमारा, एरिल में क्या होगा, जैसे मैंने एक बेंजीन रिंग ले ली, क्या ले ली, बेंजीन रिंग ले ली है ये, अब इससे मैं कोई हैलोजन परमाणु जोड़ दूं तो इसको मैं क्या कहूंगा, एरिल हैलाइड, क्या कहूंगा, एरिल हैलाइड। तो परिभाषा क्या बनेगी कि जब किसी एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसको अपन क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड, क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड। ओके, अब आप देखिए दूसरा है हमारा वाइनिलिक हैलाइड या वाइनिल हैलाइड। वाइनिल नाम तो आपने सुना है, याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये आपने कहाँ सुना है, कक्षा 11 में भी सुना है और कक्षा 10th में भी आपने एक PVC नामक कंपाउंड आपने बनाया था PVC, जिसे अपन क्या बोलते थे, पॉली वाइनिल क्लोराइड। तो इसमें क्या है, वही वाइनिल समूह है इसमें यूज हो रहा है, उसमें हमारा क्या जुड़ रहा था, क्लोराइड जुड़ रहा था, और इसमें हमारा क्या जुड़ रहा है, हैलाइड, क्लोराइड और क्या होता है, हैलाइड ही होता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, कि कोई पूछ ले कि वाइनिल हैलाइड कहते किसे हैं, तो आप परिभाषा संरचना को देखते हुए आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे परिभाषा, तो आपको क्या दिख रहा है इसमें, तो क्या लिखेंगे कि जब कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध, जब कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध द्विबंध और जिस कार्बन का संकरण हमारा क्या है sp2 है, क्या है sp2 है, उससे हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसको अपन क्या कहेंगे, वाइनिलिक हैलाइड या वाइनिल हैलाइड। इसमें संकरण कौन सा होगा, sp2 होगा। कैसे पता लगेगा आपको, तो देख सकते हैं आप कि ये सिग्मा बंद है, ये मेरा एक पाई होगा तो एक सिग्मा होता है, जब भी डबल बॉन्ड होते हैं तो एक पाई एक सिग्मा, जरूरी नहीं है तो आप नीचे है वो सिग्मा मानो, ऊपर वाला पाई मानो, जो आपकी मर्जी हो वो मान सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से एरिल के अंदर भी मैं थोड़ा सा उसको पूरा खोल के बता देता हूँ एक बार, ये जो मेरा एरिल है यहाँ पे क्या होता है, कार्बन 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 और कार्बन, और अल्टरनेटिव में क्या मेरे क्या होते हैं, पाई बंद होते हैं, क्या होते हैं,
पाइबन होते हैं, और प्रत्येक पे क्या होता है, एक एक क्या होता है हमारा हाइड्रोजन परमाणु होता है, क्या क्या होता है हाइड्रोजन परमाणु होता है, और इधर मैंने जोड़ दिया एक हेलोजन, क्या जोड़ दिया हेलोजन। तो इस कार्बन का जो संकरण होगा वो मेरा क्या होगा sp2 होगा, क्या होगा sp2 होगा। कैसे देख सकते हैं आप, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई है और ये सिग्मा है। तो देखा जाए तो इसमें टोटल कितने हैं, 3 सिग्मा है, तो कौन सा संकरण होगा sp2। ऊपर भी देखा जाए तो कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा है, कौन सा होगा sp2 होगा। इसीलिए हमने ऊपर लिखा था sp2 CX बंध प्रकृति के आधार पर। ओके, एक बार आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले ले लीजिए ताकि आपको लिखने में कोई दुविधा ना हो। ओके, अब मैं वापस इस सबको एक एक दो दो तीन तीन एग्जांपल से वापस इसको थोड़ा सा फास्टली समझा देता हूँ ताकि आपके माइंड में पूर्ण रूप से क्या हो जाए, स्थायी रूप से बैठ जाए। एक एग्जांपल तो लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, और यहाँ पे मैंने एक हेलोजन परमाणु को जोड़ दिया है, मैंने एक हेलोजन परमाणु को जोड़ दिया है। अब यहाँ पे हेलोजन ना जोड़ एक्स ना लिख के मैं कोई दूसरा जोड़ देता हूँ, थोड़ा वापस लिख देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 जोड़ दिया CL, तो इसका नाम क्या होगा। अब ये जो समूह होता है इतना सा, इस समूह को अपन क्या बोलते हैं, एलील समूह, क्या कहते हैं एलील समूह। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, एलीलिक क्लोराइड, एलीलिक क्लोराइड। कई बार एग्जाम से हमें पूछा जाता है कि एलीलिक क्लोराइड की संरचना बनाओ, तो आपको जब एलीलिक समूह आपको बनाना आएगा तो उसकी संरचना भी आराम से बना लेंगे। एक और मैं बता देता हूँ, हाँ ये भी मेरा कौन सा होगा एलील, क्यों, तो देखो कार्बन कार्बन के मध्य क्या है डबल बॉन्ड है, उसका निकटवर्ती कार्बन है जिसका संकरण क्या है sp3 है, से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो भी हमारे कौन सी श्रेणी में आएगा एलीलिक हैलाइड की श्रेणी में आएगा। ओके, अब आप देखिए sp2 CX बंध प्रकृति के आधार, इसमें मैंने लिखा था एरिल, क्या लिखा था एरिल, एरिल मैंने जैसे ले लिया है, पहले तो बेंजीन रिंग ले लेता हूँ जो मैंने लिया था, यहाँ जोड़ दिया मैंने CL, तो इसका नाम क्या होगा एरिल क्लोराइड, क्या नाम होगा एरिल क्लोराइड, या क्या ले सकते हैं बेंजीन क्लोराइड, क्या ले सकते हैं बेंजीन क्लोराइड भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब मैंने जैसे एक और ले लिया, यह मैंने जोड़ दिया CH3, ये क्या है हमारा टोलुइन, क्या है टोलुइन है। अब टोलुइन से मैंने डायरेक्टली यहाँ पे HCl जोड़ दिया, तो भी हमारा क्या होगा एरिल हैलाइड होगा, क्या होगा एरिल हैलाइड होगा। एक और ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे जोड़ दिया जैसे NO2, क्या जोड़ दिया NO2, नाइट्रोबेंजीन है, और नाइट्रोबेंजीन से मैंने यहाँ पे कोई हेलोजन जोड़ दिया तो भी मेरा क्या होगा ये एरिल हैलाइड होगा। ओके, इसी प्रकार से हमारा होता है वाइनिलिक हैलाइड, कौन सा होता है वाइनिलिक हैलाइड। तो वाइनिलिक हैलाइड में आप देखिए क्या था CH2 डबल बॉन्ड CS, ये मेरा कौन सा समूह होता है वाइनिल। अब यहाँ पे मैंने CL जोड़ दिया तो क्या बनेगा वाइनिलिक क्लोराइड। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CS जोड़ दिया BR, क्या होगा वाइनिलिक ब्रोमाइड। एक एग्जाम्पल अपन और ले लेते हैं, अब ये मेरा क्या है ये एरोमेटिक नहीं है, ये हमारा साइक्लिक है, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे कोई जैसे CL जोड़ दिया तो भी हमारा कौन सा होगा वाइनिलिक हैलाइड होगा, वाइनिलिक हैलाइड की ये श्रेणी में आएगा। ओके,
तो अब पिछला पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन में मैंने एक एक एग्जाम्पल के साथ में आपको बता दिया है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है या किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर देना, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा आपको। ओके, अब इसकी जो अगली जो नेक्स्ट क्लास है हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन है और हेलो एरिन का क्या पढ़ेंगे, आईयूपीएसी नामकरण है, इसका साधारण नाम अपन कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, और उसका पूरा टू पूरा बड़े ही डिटेल से पढ़ेंगे, बड़े ही कॉम्पिटिशन लेवल से पढ़ेंगे। तो आपको ये जो पढ़ाया इसको अच्छे से पढ़ना है और घर में रहना है और सेफ रहना है। ओके, जय हिंद, जय भारत।